हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल टेक्नोमोल्ड। हमारी वीडियो चालू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो एक मेरा सजेशन है कि वो आप ये करें कि गूगल पे जाएं, ये यूट्यूब सर्च मारे, ठीक है, www.youtube.com। फिर सर्च बॉक्स में ये चीज़ टाइप करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टेक्नोमोल्ड। आप दूसरे तीसरे नंबर वाला ना कर दें, जो टॉप पे आएगा, सबसे टॉप, ठीक है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है ये दोनों नहीं, ये दोनों गलत चैनल हैं, बेकार हैं, ये आपके किसी काम नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर वाला है ये, ठीक है, इस पर आप जाकर इस लिंक पर क्लिक कर दें और आप सब्सक्राइब करें। और इस चैनल में आपको हमारी अलग अलग वीडियोस दिखेंगी और आपको उन सबसे मदद होगी फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। इस बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार ये वीडियो बताया था कि अपने चैनल को अच्छा कैसे बनाए, उसके व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं। तो आज मैं इस बार आपके लिए और भी अच्छे टिप्स लाया हूँ वो करने के लिए। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि नाम ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है, टॉपिक का नाम ज़रूरी क्यों होता है। तो मैं अभी यहाँ पर आपको सर्च मार के दिखाता हूँ, जैसे कि हाउ टू मेक रोटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे रिजल्ट में आपका ज़रूरी नहीं आएगा, ठीक है। तो 9,16,000 में ज़रूरी नहीं है आपका आएगा। तो फिर अब हम यहाँ पे कुछ और थोड़ा ट्राई करेंगे और कुछ सर्च मारेंगे। हाउ टू मेक रोटी पहले हमने लिखा था, अब हम लिखेंगे हाउ टू मेक रोटी इन हिंदी, ठीक है। अब हिंदी में देखिए थोड़ा सा कम हो गया है, ये हो गया है 573,000। और फिर अब हमें थोड़ा और चेंज करेंगे। और एक और बात, जब भी आप कोई अपना टॉपिक दे रहे हो तो इनमें आना चाहिए, ठीक है। हाउ टू मेक ए रोटी इन हिंदी एट होम, ठीक है, एट होम इन हिंदी, तो थोड़ा और कम हो गया रोटी, ठीक है। अब आपको मगर ऐसा टॉपिक ढूंढना है जो सबसे कम आए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है इन रोटी मेकर, ये सिर्फ 2,00,000 आ रहा है, मगर ये भी काफ़ी नहीं है। आप कोशिश करें कि ये 5,000 से 6,000 के बीच में आए तो ज़्यादा अच्छा है, और उससे भी कम आए तो और भी अच्छा है। अब यहाँ पर रोटी मेकर एक और बार हम इन हिंदी ट्राई करेंगे, तो देख सकते हैं इसी तरह। तो अगर ऐसा टॉपिक आपको ढूंढना है जो 5,000 और 6,000 के बीच में हो या फिर उनसे भी कम हो तो ज़्यादा अच्छे, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक की बात हो गई कि आपके वीडियो का नाम ये होना चाहिए। अब अगली चीज़ होती है डिस्क्रिप्शन। अभी मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, हाउ टू मेक स्लाइम, ठीक है, ये मैंने सर्च मार दिया। अब आप देख सकते हैं ये वाली वीडियो, ठीक है, इसमें ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, आप देख सकते हैं 9.6 मिलियन और इसमें 6.2। अब आप सोच इसके बारे में थोड़ा सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है। आप यहाँ पर कुछ इन दोनों में एक फ़र्क देख सकते हैं, वो फ़र्क ये है, ठीक है, कि ये सिर्फ एक महीने में हुआ है और इतने व्यूज़ कमा लिए, और ये 5 महीने में मगर सिर्फ इतने व्यूज़ कमाए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हमारे इसमें मेन चीज़ है, वो है डिस्क्रिप्शन। हमने यहाँ पर लिखा था मेक स्लाइम, यहाँ पर भी मेक स्लाइम आया मगर इस वीडियो में नहीं आया, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि डिस्क्रिप्शन भी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अगर आप
ये हाउ टू मेक अ स्लाइम डाल देंगे इस, ये मैं पहले वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप देख सकते हैं एक 10 करोड़ रिजल्ट है, ठीक है। तो इसमें आपका नहीं आएगा, इसलिए टॉपिक भी अच्छा ढूंढने, डिस्क्रिप्शन भी अच्छी डालें। और फिर जब बाद में अगली चीज़ आती है, मैं इसी का एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप इनमें से शायद किसी को ना चुनेंगे क्योंकि आपको शायद इनका थंबनेल अच्छा ना लगे, तो आप शायद नीचे भी चले जाएं, ठीक है, थंबनेल की वजह से। तो आपको जो चीज़ भी अच्छी लगती हो, जैसा भी थंबनेल, ठीक है, आप ये वाला भी चुन सकते हैं। तो आप थंबनेल देखकर भी वीडियो देखते हैं, इसलिए तीसरी चीज़ होती है कि थंबनेल देखना भी ज़रूरी होता है, वरना आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा अगर बेकार सा थंबनेल होगा। चलो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपने चैनल के बारे में सर्च मार कर, वो जो मेरे नीचे जो चैनल आए थे, मैं आपको उनकी वीडियोस दिखाता हूँ, ठीक है। उनकी थंबनेल बेकार होते हैं शुरुआत में, फिर जब उसे एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने बाद में अपनी वीडियोस को अच्छी की, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसे खोल के, अब आप इनकी वीडियोस देखिए, ठीक है। इस चैनल की वीडियोस जब आप देखेंगे, ये देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, यहाँ तक सब सही है, मगर यहाँ के थंबनेल बेकार है, ठीक है, इसलिए किसी का देखने का मन नहीं करता। मगर जो हमारा चैनल है, जोसली टेक्निकल वर्ल्ड फॉर यू है, जिसने किसी की कॉपी नहीं की है, उसके आप वीडियोस देखिए, यानी कि हमारे चैनल के, उसमें आपको सारे अच्छे से अच्छे थंबनेल दिखेंगे, ठीक है। तो ये थंबनेल की वजह भी देखने का मन करता है, वरना आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको 3 टिप्स बताई हैं, ठीक है, तो अगली टिप्स बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चौथी टिप क्या होती है? तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है वो ये होता है कि अपने वीडियो की लिमिट उतनी बड़ी रखें जितनी ज़रूरी हो। अगर आपकी कोई ऐसी वीडियो में, तो मैं आपको दिखाता हूँ हाउ टू स्पीड अप, ठीक है, स्पीड अप पीसी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जब आप खोलेंगे, आपकी इसमें जो वीडियो हो सकती है वो बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि स्पीड अप करने के लिए टाइम लगता है, कंप्यूटर बूस्ट होता है। मगर जब आप सर्च मार देंगे सिंपली हाउ टू डाउनलोड एनिंग, लाइक हाउ टू डाउनलोड, मैं दिखाता हूँ हाउ टू डाउनलोड एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस फॉर पीसी, हम सर्च मार देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं छोटी छोटी वीडियो दिखती है। और जो बड़ी वीडियोस होती हैं, ठीक है, उन्हें ज़्यादा देखते नहीं है, क्योंकि ये वो सब जानते हैं कि एंटीवायरस डाउनलोड होने में टाइम नहीं लगता, इसलिए छोटी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं, तो छोटी वीडियोस को ज़्यादा देखेंगे। और आप इन सारी वीडियोस में देख सकते हैं, सिर्फ कुछ वीडियोस हैं जो बड़ी बड़ी हैं, और वो भी बड़े बड़े चैनलों की हैं। तो इसलिए जो छोटे चैनल होते हैं, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, वो ज़्यादा बड़ी वीडियोस ना बनाएं अभी, तो ठीक है। 4 चीज़ें होती है, टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चौथी टिप थी। अब पांचवी टिप क्या होती है, ठीक है। तो जब आपकी कोई, अगर आपने बड़ी वीडियोस बनाई है, ठीक है, तो उसका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो बंदा आपकी पूरी वीडियो देखे एंड तक, ताकि आपका वॉच टाइम बढ़े, और वह ये भी सोचे कि ये यूट्यूबर अच्छा है और ये हमारी मदद भी कर सकता है, और वो अपने दोस्तों को भी शेयर करेगा। इसलिए कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए वीडियो का। आपने बड़े बड़े चैनल सुने होंगे, जैसे कि टेक्निकल गुरु जी, उनका कंटेंट इतना अच्छा होता है कि आप उन्हें सब्सक्राइब कर ही देते हैं। उनके इंट्रो भी अच्छा होता है, और उनका जो लास्ट में सब्सक्राइब वाला इंट्रोडक्शन भी होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने वीडियो का एक अच्छा इंट्रोडक्शन बनाना सीख।